मानसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो मौसम विभाग का कहना है कि पिछले 24 घंटे में जो मानसून का डेफिसिट 12% था वो घटकर 10% पर पहुंच गया। इसका सीधा सीधा मतलब है कि तमाम इलाकों में जहां पर मानसून पहुंच चुका है वहां पर जबरदस्त बारिश चल रही है। दिल्ली के आसमान की बात करें तो इस समय दिल्ली में प्री मानसून सावर शुरू हो चुकी है और दिल्ली के आसमान पर बादलों की आवाजाही शुरू हो गई है, लेकिन यहाँ पर मानसून नहीं है, मानसून से पहले के बादल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है जब मानसून आता है तो तमाम इलाकों में मौसम बदलना शुरू हो जाता है, तो वही स्थिति दिल्ली और आसपास के इलाकों में देखी जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेंगे और इस समय की अगर हम बात करते हैं तो पिछले 24 घंटे में जो अधिकतम तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस गिर चुका है। इसके अलावा अगर हम देखें तो 28 तारीख से लेकर 30 जून तक मौसम विभाग का कहना है दिल्ली और आसपास के तमाम इलाकों में मानसून दस्तक दे देगा। और इस सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो मानसून की हवाएं हैं काफ़ी तेजी से बढ़ रही हैं। गुजरात की बात करें तो कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है और इसके अलावा वेस्टर्न घाट की बात करें यानी पश्चिमी घाट की बात करें तो कोंकण के तमाम इलाकों में जोरदार बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा के तमाम इलाकों में मानसूनी घटाएं पहुंच चुकी हैं। मौसम विभाग का कहना है कि ये जो मानसून के तेवर हैं ये तेज रहेंगे क्योंकि मानसून काफ़ी ताकतवर स्थिति में इस समय है। अगले एक हफ्ते तक तमाम इलाकों में झमाझम बारिश होगी। अगर पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों पर ऐसा कहा जा रहा है कई इलाकों में अच्छी बारिश देखी जाएगी। मौसम विभाग का कहना है कि लगातार वो स्थिति पर नजर रखे हुए है और जब जहां जरूरत होगी उस जगह के लिए वार्निंग इशू की जाएगी। और इस समय की अगर हम बात करें तो तमाम इलाके जो वेस्टर्न घाट के हैं साथ ही साथ गुजरात के हैं वहाँ पर जोरदार बारिश की आशंका जाहिर की जा रही है।